व्हाट इज हॉर्स पावर और हॉर्स पावर की इस्तेमाल इंजन में किस तरह से इस्तेमाल हुई आज आपको हम ये बताते हैं। हॉर्स पावर की इब्तदा 1769 ईस्वी में हुई जब इंग्लैंड की कानों में से बारिश के पानी को घोड़ों की मदद से निकाला जाता था और इस वक्त इस काम को करने के लिए कितने घोड़ों का इस्तेमाल होगा यही था वो हॉर्स पावर का फॉर्मूला। और ये थे वो दो इंसान जेम्स वॉट और उनके असिस्टेंट विलियम मरदूक जिन्होंने हॉर्स पावर की इस्तेमाल को कायम किया। उन्होंने कान के मालिक को बताया कि आपकी मशीन कितने घोड़ों के बराबर काम कर सकती है। एक एवरेज घोड़े के बराबर ताकत 550 पाउंड वजन को एक फुट के डिस्टेंस तक उठा सकती है, वो भी एक सेकंड में। बस इसी को उन्होंने हॉर्स पावर मान लिया। अब ये यूनिट जेम्स वॉट के बहुत काम आई। उसकी मदद से उन्होंने कान के मालिकों और अलग अलग बिजनेसमैन को ये बताया कि घोड़ों की जगह उन्हें अपने काम के लिए कितने बड़े इंजन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया ने इसको पावर के यूनिट के तौर पर कबूल कर दिया और पावर के यूनिट की इकाई भी मिस्टर जेम्स वॉट के नाम पर ही है। अच्छा, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं चले बता देते हैं। एक हॉर्स पावर में तकरीबन 746 वॉट होते हैं।